हाँ, तो हमने इफ कंडीशन क्या लगा दी कि अगर यूजर आ रहा होगा, यूजर में कुछ भी आ रहा होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब एल्स वाले पार्ट पे आ जाओ। एल्स वाले पार्ट पे आ जाओ। अब इसमें लगाओ इफ, एल्स के अंदर कंडीशन लगाओ इफ सी के अंदर ही, इफ इसी लगा इफ फंक्शन का साइन देखो, नेम नेम एंड नेम स्पेस देके एंड का साइन लगेगा, एंड डबल एंड नहीं होता एंड लॉजिक ऑपरेटर में एंड। हाँ, फिर स्पेस देके ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, सेम जो ऊपर लिखे वो लिख लो नीचे। अब देखो हमने ऊपर डिफाइन कर लिया ना, ऊपर देखो लाइन नंबर 33 में कॉन्स्टेंट के अंदर डिफाइन कर रखे ना अपन आर की बॉडी में सारे, तो इससे कितना फायदा हो रहा है मुझे, है ना, अपन हल्के इस तरीके से कॉल कर पाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, अब एल्स लगाओ उसका, एल्स इफ का एल्स लगा लो, एल्स कर लिया, अगर इसमें ऊपर वाले मैसेज दोनों कॉपी कर लो, 37 और 38, 37 और 38 एल्स में डाल दो। अब उसमें लिखो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, जो लिखा है ना ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा है ना, इसके ऑलरेडी चेंज करके लिख दो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। हाँ, इसी को हटा कर, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो अब देखो, चलो क्या होगा, अगर मांगा चलो हमने नेम ईमेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में कोई फील्ड नहीं भरी, तो मैसेज क्या देगा, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड वाला। अब मांगा चलो उसने इफ के अंदर सारी फील्ड भर दी, ठीक है, तो इफ के अंदर आ जाओ, इफ के अंदर एक और इफ लगाओ। हाँ, इसके अंदर एक और इफ लगाना है, इफ के अंदर एक और इफ, फंक्शन का साइन लिखो पासवर्ड, पासवर्ड उसके अंदर पासवर्ड इक्वल इक्वल कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड स्पेस देके इक्वल इक्वल कन्फर्म पासवर्ड, ये सेम है कि नहीं है, ठीक है, कन्फर्म पास। हाँ, अब इसका भी एल्स लगा लो, अब इसमें मैसेज डाल दो दोनों उठा के। अब पेस्ट कर लो अंदर से, वहां पे लिखो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, मैच, ठीक है, सेव कर लो। अब पहले इतना चेक कर लो, ठीक है, पहले एक फील्ड खाली छोड़ देना, ब्राउजर पे आ जाओ, चालू करो, हाँ जी, ये सबमिट कर दो, ये सबमिट कर देना, रजिस्टर पे क्लिक कर दो सिंपल। अब इसमें लगा लो ईमेल, ईमेल कोई नया डालना, नया कोई है ना, इसमें एक काम करो, एक कोड में आओ, कोड में आओ, एक चीज सिखाता हूँ, कोड में आओ, कोड में आओ, इन फॉर्म में आओ, फॉर्म लिखा है ना, फॉर्म इसमें नेम में आना, नेम के इनपुट में, नेम के इनपुट में आओ, इनपुट में लिख दे ऑटो कंप्लीट, लिखना ऑटो कंप्लीट
ऐसे भी लिख दो ऑटो कंप्लीट ऑफ वाला नीचे ऑफ कर दो ऑफ ओड वाले ऑफ ऐसे में लगा लो सब में लगा लो अब सेव करो सेव करके चेक करो रिफ्रेश करो एक बार रिफ्रेश करो अच्छे से जब मुझे खाली हो जाना चाहिए भरवा क्यों आ रहा है कैसे ले रहा होगा ना जो खाली हो जाता है तो पहले वो चेक कर लो पहले ईमेल डाल के खाली चेक कर लो अच्छा अच्छा नहीं वो वाला चेक कर लो पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड डाला कोड में आ जाओ चलो मैसेज देखो आ गया आ जाओ अब उसी में आ जाओ अब उस पर ऊपर चलो अब देखो पहले हमने क्या चेक किया पहले हमने ईमेल चेक करा लिया फिर हमने क्या चेक किया कि वो सारी चीजें भरे फिर हमने क्या चेक कराया कि उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सही है कि नहीं है ठीक है ना ये सारी चीजें अपन ने चेक करी है ना अब हम क्या करते हैं अब आ जाओ अभी नीचे और नीचे तुम्हारा ट्राई कैच वाला कोड था ना उठा लो जी पूरा ट्राई कैच वाला कोड है ना जी पूरा उठा लो पूरा ट्राई से उठा लो पूरा ट्राई से पूरा कैच के एंड तक उठा लो कैच का कर्ली ब्रैकेट से एंड हो रहा है ना बस यहाँ तक अभी जाकर उसमें पेस्ट कर लो यहाँ से कट कर दो उठा के उसको कट कर दो उसके अंदर दिनों ऊपर चलो इसमें यही अंदर है इसी के अंदर ही पेस्ट करना है आज बीच वाला कोड चालू कर लो जो मैंने बंद कर रखा है इसको चालू कर लो बस सेव कर लो चलो अब पहले देखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर इसको इसका फिर पासवर्ड अपन सिक्योर करते हैं अब रजिस्ट्रेशन करो नए ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर लो पहुंच गए ठीक है लॉगिन हो रहा है ना ठीक है रजिस्ट्रेशन हो गया ना इनको भी दिखा दो पहले इतना आप लोग भी करें हाँ ये हमारा सिक्योर नहीं है मोंगोडीबी ओपन करो मोंगोडीबी ओपन करना मोंगोडीबी ओपन कर लो अभी जो पासवर्ड जा रहा है मोंगोडीबी के अंदर वो सिक्योर नहीं जा रहा है देखो अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा पासवर्ड को थोड़ा सिक्योर भेजना पड़ेगा हैश पासवर्ड भेजना पड़ेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्लिक करो कनेक्ट पे देखो सब लोग देख पा रहे हो सबका पासवर्ड ऐसे तो कोई भी किसी का पासवर्ड दिख लेगा है ना साफ साफ दिख रहे हैं पासवर्ड ऐसे जो बंदा होगा वो तो किसी के पास चेक कर लेगा है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा पासवर्ड को सिक्योर भेजना पड़ेगा हैश पासवर्ड भेजना पड़ेगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अपने सिस्टम में एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा है ना पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए बी क्रिप्टेड है ना npm मैं चैट में दे रहा हूँ सब लोग ये पैकेज इंस्टॉल कर लें npm i
npm i डिक्रिप्टेड, इसकी वजह से क्या करेंगे पासवर्ड को हम सिक्योर कर पाएंगे। सब लोग ये पैक इंस्टॉल कर रहे हैं, npm i डिक्रिप्टेड। हम खा लिया? हाँ खा लो खा लो खा लो, कभी खा जा जाओ। npm i डिक्रिप्टेड सब लोग कर ले, इसको इंस्टॉल कर ले। सब लोग npm i bkryptd को रिस्टॉल कर लें, और ये मैं दे रहा हूँ चैट में, इसको रिक्वायर कर लो, इसको रिक्वायर कर लेना। हेलो ये भी रिक्वायर कर लेना फ्रंट कंट्रोलर पे। सब लोग गूगल चैट में दे दिया है मैं रिक्वायर करने के लिए, इसको रिक्वायर कर लो। गूगल चैट से ले लो, अब रिक्वायर कर लेंगे इसको, बाकी लोग उसको रिक्वायर भी कर लो। हाँ ये रिक्वायर कर लो ऊपर। सब लोगों ने इतना काम कर लिया, रिक्वायर कर लिया ऊपर फ्रंट कंट्रोलर में, ऊपर रिक्वायर कर लेना ठीक है बीक्रिप्टेड को। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, कोड नीचे आ जाओ, इसी कोड में आ जाओ अपने वाले, और नीचे आओ, बस 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 लाइन नंबर 43 के नीचे आ जाओ। इसी के नीचे आ जाओ, या इसके अंदर ट्राई के अंदर आ जाओ, ट्राई हाँ कहीं आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई के अंदर आ जाओ, ट्राई के अंदर आ जाओ। देखो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट हैज पासवर्ड, कॉन्स्टेंट हैज पासवर्ड इक्वल अवेट अवेट स्पेस देके बी क्रिप्टेड बी सी आर, भाई अपने आप आ जाएगा, देखो बी सी आर वो आ गया, बी क्रिप्टेड डॉट हैस एच एस एच, हाँ फंक्शन का साइन, और फिर लिखो पासवर्ड कॉमा पासवर्ड से लिखना, स्पेलिंग से लिखो पासवर्ड की, पासवर्ड कॉमा 10। देखो देखो अब सब यहाँ देखो, देखो सब लोग इस पे आना, देखो अब यहाँ पे मैं दो चीज देखो, देखो देखो हमसे क्या कह रहा है, हैश के अंदर देखो हमसे क्या कह रहा है, एक हमें डाल दिए पासवर्ड अपना, और एक हमसे क्या कह रहा है सॉर्ट ऑफ राउंड, लिखना और राउंड्स दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ राउंड्स, हमें यहाँ पे क्या करना है नंबर डालने होते हैं ठीक है, यहाँ पे नंबर डालना होता है 10 राउंड्स होते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा पासवर्ड होगा ना और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। लिख कह रहे थे दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, एक तो मैं डाल दिया पासवर्ड डाल दिया, ये लिखा ना सॉर्ट ऑफ राउंड स्ट्रिंग है ना, और ये भी क्या देता है प्रॉमिस देता है। नीचे आओ देख क्या लिखा है, द सॉर्ट टू यूज यूज लिखा ना, नीचे आओ थोड़ा स्क्रॉल कर देना उसी में, चलो पढ़ लो, द सॉर्ट टू बी यूज लिखा ना, देखो इनक्रिप्टिंग टू लिखना, इससे क्या होगा हमारा पासवर्ड और देखो ना जनरेट विद द सीरियल नंबर ऑफ द राउंड यूज्ड है ना, और ये भी मैं क्या करेगा प्रॉमिस रिटर्न करेगा ठीक है। तो इस 10 लगाने से क्या होगा हमारा जो पासवर्ड जा रहा है देखो सॉल्ट हो रहा है, देखो सॉल्ट राउंड इक्वल 10, इससे क्या होगा जो हमारा पासवर्ड होगा ना और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा है ना, तो लगा देना 10 यहाँ पे, मैं नीचे 10 लगा दो 10। अब अगर नीचे लिखा ना लाइन, अब जे अब देखो जी लिख रखे ना आर ई क्यू डॉट बॉडी जी हटा दो,
आर ई की डॉट लिखिए ना जी लाइन नंबर 49 पे। हाँ जी सब हटा दो, आर ई की डॉट बॉडी सब में से, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया ना, नेम नेम रहने दो, नेम रहने दो, नेम कटा रहे हो, नेम रहने दो, नेम तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया ना, ये डाल दो आर की बॉडी अकेला, आर की बॉडी नीचे से भी डाल दो, अब नेम हमने ऊपर डिफाइन कर रखे है ना, तो आर की लिखनी होनी पड़ेगी हमें, ऐसे इसमें से भी कर लो। यहाँ लिखो हैज पासवर्ड, ये डाल दो पासवर्ड लिखा है ना, ये पासवर्ड लिखा है, इसको डाके यहाँ कर दो हैज पासवर्ड, और ये नेम ईमेल कौन से वाले हैं, आर ई की बॉडी, आर ई की डॉट बॉडी वाले ही हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, हैज पासवर्ड। हाँ ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई, जो हमने लिखा है ना पासवर्ड में बीक्रिप्टेड डॉट हैज पासवर्ड कॉमा 10, अब इसमें पासवर्ड कौन सा आ रहा होगा, जो यूजर डाल रहा है, इस पासवर्ड को अपन सिक्योर कर रहे हैं और नीचे इसको अपडेट कर रहे हैं, नीचे देखो इंसर्ट में, अब सेव करके चेक करो, अब देखना हमारा पासवर्ड सिक्योर होके जाएगा। अब जाके चेक करो मंगड़ी में, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दो। हाँ थोड़ा रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश अरे वो आ रहा है साइड में, देखो राइट साइड में देखो दिख रहा है रेफरेंस का, राइट साइड में फाइंड के नीचे, राइट साइड में लिखा ना फाइंड, राइट में जाओ फाइंड के नीचे देखो, नीचे नीचे जैसे कि नीचे देखो, नीचे 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 आ जाइए यही। हाँ देखो सब, अब देखो नीचे सर पासवर्ड, सब लोग देखो दिख रहा है पासवर्ड सिक्योर, अब सब देख लो यहाँ पासवर्ड हो गया, देखो हैश पासवर्ड में सिक्योर एकदम, अभी तो कोई पता नहीं कर पाएगा जी पासवर्ड क्या है ना। चलो अब सब कह देखो इतना, अब इनको भी दिखा दो, तुम लोग इतना काम जल्दी करो, कॉलम और ऐड करना होगा इमेज वाला है ना, अब हम इमेज भी इंसर्ट कराएंगे यूजर से, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन पे आ जाना, रजिस्ट्रेशन डॉट ईजीएस पे आ जाओ, सब लोग एक कॉलम और ऐड कर लो नीचे इमेज का, दिखा देना उनको इमेज वाला, थोड़ा ऊपर चलो इमेज वाला, फाइन सर सब लोग एक कॉलम और ऐड कर लो इमेज वाला, सर पहले से ऐड होगा, और यहाँ पे इमेज नाम दे दो, इमेज इससे कन्फ्यूज ना हो, जहाँ नेम लिखा वहाँ पर इमेज लिख दो, सबके में ऐड है पहले से कॉलम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, इमेज नाम का एक, सबके में है ना। चलो अब हमें इस इमेज पे काम करना है, तो अब इमेज की आप लोग थोड़ी कहानी सुनो है ना, इमेज की कहानी थोड़ी यहाँ पे अलग है, ठीक है, इमेज की कहानी यहाँ पे अब थोड़ी अलग हो चुकी है। देखो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, सब लोग अभी तक हम लोग टैक्स अपलोड करते हैं, आप क्या करते हो अभी तक, आप लोग अभी तक सिर्फ टैक्स इंसर्ट करते हो, मगर इमेज में क्या जाता है, लिखा है देखो टाइप में फाइल, तो इमेज में जाती है एक फाइल ना कि टेक्स्ट, पूरी फाइल जाती है उठ के, फाइल फाइल का नाम पूरा जाता है, इसलिए हम टाइप में क्या लेके चलते हैं, फाइल लेके चलते हैं। तो जब हम इमेज इंसर्ट करते हैं ना, तो डेटाबेस में इमेज का सिर्फ नाम जाता है, क्या जाता है डेटाबेस में, सिर्फ इमेज का नाम जाता है। अब सोचो अगर डेटाबेस में नाम जाएगा
उस नाम को अपन डिस्प्ले कराएंगे, तो सिर्फ नाम ही तो डिस्प्ले होगा, मगर हमें डिस्प्ले क्या कराना होता है, उस बंदे की इमेज है ना। जैसे आप व्हाट्सएप पे, आपका फेसबुक है, जब आपने इमेज इंसर्ट करी होगी तो आपकी इमेज शो होती है ना। और मगर डेटाबेस में क्या जाता है, इमेज का नाम चला जाता है, फिर कैसे काम चलेगा। तो हमें क्या करना होता है कि जब हम यूज़र से इमेज इंसर्ट कराते हैं ना, तो उस इमेज को एक फोल्डर में रख लेते हैं। जैसे मान के चलो यूज़र ने इमेज इंसर्ट करी, तो उसकी इमेज सबसे पहले हम एक फोल्डर में रख लेते हैं, और फिर देन उसके बाद हम उस इमेज को डेटाबेस में इंसर्ट करा देते हैं, वही नाम, जो नाम हमारे फोल्डर में आया होगा ना, वही नाम हम डेटाबेस में जाके इंसर्ट करा देते हैं। तो जब हमें डिस्प्ले कराना होता है ना, तो वही नाम उठ के आ जाता है, ठीक है। तो इमेज में क्या होता है कि जैसे हम इमेज इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि इमेज को हमें अपलोड फोल्डर में पहुंचाना होगा, जो हम एक फोल्डर बनाएंगे वहां पे पहुंचाना होता है, ठीक है। अब वहां क्यों पहुंचाते हैं फोल्डर में, क्योंकि जब आप डिस्प्ले कराओगे इमेज, इमेज में टेक्स्ट डिस्प्ले होगा नहीं, वहां पे तो इमेज डिस्प्ले होगी पूरी, तो वो फोल्डर से उठ के आ जाती है और आपके पास डिस्प्ले होने लगती है। ये चलती है पूरी इमेज की कहानी। सबसे पहले इमेज का काम क्या होगा कि सबसे पहले हमें इमेज को अपलोड फोल्डर के अंदर पहुंचाना होगा, देन उसके बाद हम उस इमेज को इंसर्ट कराएंगे। क्लियर हो गया इतनी बात। तो इसलिए टैब में यहाँ पे क्या लगा है, फाइल लिखा हुआ है। तो हम लोग जो इमेज रखते हैं ना, इमेज का जो फोल्डर हम बनाते हैं, जो रखते हैं, उसको हम रखते हैं सर्वर पे, क्लाउडनरी पे, है ना। क्लाउडनरी एक सर्वर होता है जहाँ पे अपनी इमेज को रख लेते हैं लाइव, और उस इमेज को हम कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी इमेज कहाँ रखेंगे, लोकल भी रख रहे हैं इसमें, हम अपनी इमेज को रखेंगे क्लाउडनरी पे, ठीक है। और वहाँ से हम अपनी इमेज को इंसर्ट करा लेंगे, गेट करा लेंगे। आओ चलो देखें, मतलब जो फोल्डर हम अपने यहाँ पे बनाते हैं ना सबलाइम में, इमेज का अपलोड फोल्डर बनाते, वो हम इमेज अपनी कहाँ रखने वाले हैं, क्लाउडनरी पे। हम क्लाउडनरी एक सर्वर है, वहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, हम इमेज वहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। और जब हमारी इमेज वहाँ पहुँच जाएगी, तो वहाँ से हमें जो इमेज का नाम मिलेगा, वो नाम हम अपना डेटाबेस में पहुँचा देंगे। पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें अपनी इमेज क्लाउडनरी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, वहाँ पहुँचानी है, ठीक है। जब वहाँ पहुँच जाएगी, तो वहाँ से हमें एक नाम मिलेगा, वो नाम हम डेटाबेस में पहुँचा देंगे। क्लियर हो गया। तो इमेज का थोड़ा प्रोसेस अलग चलता है। तो चलो अब चलो गूगल पे जाकर सर्च करो क्लाउडनरी, उस पर अकाउंट बनाना पड़ता है। न्यू टैब पे जाकर सर्च करो क्लाउडनरी, क्लाउडनरी ये नीचे आ रहा है क्लाउडनरी। हाँ ऐसी भाई, सब लोग ये क्लाउडनरी ओपन कर ले, सब देख लो, लिखा ना वो इमेज एंड वीडियो अपलोडर स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन एंड CDN है, इस पर क्लिक कर लो। हाँ हम अपनी इमेज यहाँ पर रखते हैं, लिखा है देखो मोस्ट पॉपुलर इमेज एंड वीडियो APIs। हम अपनी जो इमेज रखेंगे ना इस क्लाउडनरी पर रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, ये पता है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोई जाता है अपनी इमेजों को ही रखता है क्लाउडनरी पे, ठीक है ना। चलो अब लिखा है ना साइन अप फॉर फ्री, उस पर क्लिक कर लो और गूगल से लॉगिन कर लो या जीमेल जो तुम्हें ठीक लगे, जिससे लॉगिन करना चाहो उससे लॉगिन कर सकते हो, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल सब लॉगिन कर लो, और ईमेल वेरिफिकेशन होगा वन टाइम के लिए, सो वेरिफिकेशन कर लो आप लोग। वन टाइम के लिए ईमेल वेरिफिकेशन होगा वो कर लो। इसलिए गूगल से कर लिया करो, सही रहता है। जीमेल से कर लो, जीमेल से सही रहता है, झंझट नहीं होता है ना। आप तो है जीमेल से कर लो, सिंपल सा बस, टेंशन खत्म। सब लोग जीमेल से कर लो। सब लोग जीमेल से कर लें। अब देखो जैसे आप जीमेल से करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, सब यहाँ पे देख लो स्क्रीन पर,
डेवलपर क्या, डेवलपर क्लिक कर दो, डन कर दो। बस ठीक है, इस जगह पर सब लोग आ जाओगे। यहाँ पर सारे लोग आ गए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्लाउडनरी को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, इसमें वीएस कोड के अंदर हमें क्लाउडनरी को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो लिखना होता है npm i और क्लाउडनरी। मैं चैट में दे देता हूँ, चैट में दे दिया मैंने npm i क्लाउडनरी। सब लोग कर लो, सब लोग पैकेज इंस्टॉल कर लो npm i क्लाउडनरी। npm i क्लाउडनरी कर लो, इसके बाद इसको रिक्वायर कर लो फ्रंट कंट्रोलर पर। मैंने चैट में दे दिया है रिक्वायर करने, उसको रिक्वायर कर लो फ्रंट कंट्रोलर पर। चैट में दे दिया, ऊपर फ्रंट कंट्रोलर पर सब रिक्वायर कर लो। फ्रंट कंट्रोलर पे आके इसको ऊपर टॉप पे रिक्वायर कर ले सब लोग। चैट में लिंक दे रखा है मैंने, आइए रिक्वायर कर लो उसी के नीचे। बस हाँ, इतना काम कर लिया हमने। क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशन सब लोग करने, ऊपर ऊपर पेस्ट करना है ऊपर, इसी के नीचे, इसी के नीचे पेस्ट कर लो, प्लान नंबर 3 के नीचे, प्लान नंबर 3 के नीचे पेस्ट कर लो। बस हाँ, अब देखो सब लोग यहाँ पे देखा ना, क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की, तो यहाँ पे सब आपको अपनी डालनी होंगी। यहाँ पर देखा ना, क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की, तो यहाँ पे आपको अपनी अपलोड करनी होगी। वहाँ चलो क्लाउडनरी पे आ जाओ, क्लाउडनरी पे सब लोग, इसके बाद क्लाउडनरी पे आ जाओ। अब सब देखो क्लाउडनरी पे सब लोग आना है, चलो और डैशबोर्ड पे क्लिक करो, दिखाना ना साइड में, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करो सब लोग क्लाउडनरी की वेबसाइट पे आके। और देखो यहाँ पे आपको की सब मिल जाएंगी, दिखाना ना क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की, सब कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते जाओ। हाँ ये कॉपी, क्लाउड नेम कॉपी कर लो, अपना क्लाउड नेम पेस्ट कर दो, यहाँ ये डा दो, अपना पेस्ट करते सब लोग। और एपे की वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लो, और एपे सीक्रेट की पेस्ट कर लो, सेव कर लो। सिक्योर फॉल्स रखेंगे, वो लोकल पे काम कर रहा है अभी। इतना सब लोग कर लें कॉन्फ़िगरेशन। हो जाए तो मुझे बताओ क्या। क्लाउडनरी कर लिया, वो कि हमारी इमेज जाएगी क्लाउडनरी पर। अब मेन होता है कि क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड कैसे होगी, इमेज फोल्डर में अपलोड कैसे होगी।
जो हम क्लाउड नेटिव पे एक फोल्डर बनाते हैं उस पर इमेज अपलोड जाएगी कैसे, अपलोड कैसे होगी, है ना? मतलब हम इमेज को जो फोल्डर में डालते हैं वो जाएगा कैसे, इमेज अपलोड फोल्डर में जाएगी कैसे हमारी, है ना? तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है एक्सप्रेस फाइल अपलोडर के नाम से। हमारे में एक पैकेज होता है एक्सप्रेस फाइल अपलोडर, उसकी मदद से क्या होगा, हमारी इमेज अपलोड फोल्डर में पहुंच जाती है। npm i express file uploader, उसका नाम ही देखो क्या है, फाइल को अपलोड करना। चैट में दे दिया मैंने पैकेज, चैट में दे दिया मैंने पैकेज npm i express फाइल अपलोडर, ये कॉपी कर लो, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस करते रहो सब लोग। npm i express file uploader कलो उसको स्टॉल खोलो, मैं लिंक दे रहा हूँ रिक्वायर करने के लिए। हमें कहाँ रिक्वायर करना पड़ेगा, ये app.js पे जाके। जब भी आप इमेज पे काम करो ना तो एक्सप्रेस फाइल अपलोडर को पैकेज को रिक्वायर करना पड़ता है। चैट में दे दिया मैंने रिक्वायर करने के लिए एक्सप्रेस फाइल अपलोडर। हाँ जी कॉपी कर लो और app.js पे जाके ऊपर पेस्ट कर लेना, app.js पे जाके ऊपर रिक्वायर कर लो। और इसी के नीचे, हाँ इसी के नीचे कर लो। हाँ और एक और दे रहा हूँ ये यूज करने के लिए app.use फाइल अपलोड को, ये को दिया मैंने चैट में। अब इसको यूज भी तो करना पड़ेगा, मैं इसी के नीचे पेस्ट कर लो। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, app.use फाइल अपलोड और लिखा है यूज टेम्पल फाइल्स, उसको जानते हो, लिखना टेम्परेरी फाइल यूज टेम्परेरी फाइल्स ट्रू कर रखा है। तो क्या होता है कि जब हम कोई इमेज अपलोड करते हैं ना तो सबसे पहले इमेज एक टेम्परेरी फाइल में पहुंच जाती है, एक फोल्डर बन जाएगा टेम्परेरी नाम, टेम्परेरी नाम से सबसे पहले इमेज हमारी वहां चली जाती है। जैसी मैं इमेज इंसर्ट करूंगा ना तो सबसे पहले इमेज एक टेम्परेरी फाइल में जाकर स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद इमेज कहाँ जाती है, एक्सप्रेस फाइल अपलोडर के पास, फिर वहां से वो इमेज क्लाउड नेटिव पे चली जाती है। तो जब भी हम इमेज इंसर्ट करते हैं ना सबसे पहले इमेज एक टेम्परेरी फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाती है, एक नाम ऐसी बन जाता है, कुछ टेम्परेरी फाइल बन जाती है। तो उसके बाद हम अपना कोड करते हैं, कौन सा कोड करते हैं, एक्सप्रेस फाइल अपलोड वाला, कि भाई अब तुम ये इमेज वहां पहुंचा दो क्लाउड नेटिव पे, और जब तक वो क्लाउड नेटिव पे नहीं जा रही होती है तब तक वो टेम्परेरी फाइल में रहती है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, यूज टेम्प फाइल्स ट्रू कर रखा है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी इमेज कहाँ जाएगी, एक टेम्परेरी फोल्डर में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है ना? ये हो गया हमारा क्या, इमेज का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, ठीक है ना? अब आओ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डॉप, घर पे जाके प्रैक्टिस करना ये पूरा रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन और ईजीएस पे आ जाओ। अब एक चीज देखो, जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो इमेज क्या है, एक सब लोग, इमेज एक फाइल है, फाइल ना कि एक टेक्स्ट। इमेज के साथ इमेज का नाम जाता है और ना उसका इमेज का एक्सटेंशन जाता है, तो इमेज एक क्या होती है, फाइल होती है। तो हमें क्या करना होता है, फाइल उठा के लेके जानी होती है यहाँ से। तो फॉर्म के एक्शन पे आना, फॉर्म के एक्शन पे आ जाओ सब लोग। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, टेक्स्ट पहुँचाते थे, मगर अब यहाँ से उठ के जाएगी फाइल, ठीक है? अब फाइल उठ के जाएगी कैसे, तो उसके लिए हमें फॉर्म एक्शन में एक कोड लगाना होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करके, ठीक है? अनटाइप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लगाते हैं लास्ट में। फॉर्म एक्शन पे आ जाओ पोस्ट के बाद, हाँ यहाँ पर जब मैं दे रहा हूँ चैट में, इसलिए घर पे जाके सब लोग प्रैक्टिस करना आज, है ना? तो
बिना इसकी इमेज यहाँ से जाएगी नहीं बैकएंड के पास। ये लगा लो, अभी दिखा भी दूंगा चला के। लो, अनटैप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये वाला कोड। हाँ यहीं लगा दो, अनटैप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब देखो क्या होता है, जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो नेम में नेम स्टोर होता है, ईमेल ईमेल ऐसे इमेज इमेज स्टोर होगी। अब यहाँ से क्या होता है कि आपकी इमेज आपका डेटा उठ के जाता है ना। हम शो कराते हैं ना आरईक्यू डॉट बॉडी में, मगर इमेज को हम आरईक्यू डॉट बॉडी में शो नहीं कराएंगे, इमेज को हम शो कराएंगे आरईक्यू डॉट फाइल्स में शो कराते हैं, है ना। अब वहाँ चलना फ्रंट कंट्रोलर पे, फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन पे आओ, रजिस्ट्रेशन पे निकल गया ऊपर से, ऊपर ऊपर यहाँ पास से अब ऊपर निकल तो गया बस। अब थोड़ी देर के लिए क्या करो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे, अरे इतना नीचे नहीं, ऊपर ही से ही, और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, हाँ बस बस, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर थोड़ा आ जाओ बस। अब पहले जो कोड एक, अब इसी की लाइन नंबर 40 के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 40 के नीचे, हाँ इसी के नीचे। पहले को कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिखो req डॉट फाइल्स, req डॉट फाइल्स डॉट इमेज, क्योंकि हमारा पे इमेज नाम है ना, डॉट इमेज हमने नेम में इमेज रखा है ना, ठीक है। अब नीचे वाला पूरा कोड बंद कर दो, 42 से, 42 से पूरा कोड बंद कर देना उठा के। हाँ नीचे और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, बस यहाँ तक पूरा बंद कर दो उठा के, लास्ट वाला कर लिया से खोलना पड़ेगा ना, लास्ट वाला कर लिया खोल दो, 7-10 वाला बस सेव करो, ऊपर चलो। बस चलो देखो, दिख रहा है सबको। अब जाओ इमेज, अकेला इमेज भर के चेक करो, इमेज उठ के आ रही कि नहीं आ रही, सर्वर चालू कर लो, इमेज भर के देखो। अकेले रिफ्रेश कर लो, अकेला इमेज देखो, इमेज उठ के आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ कोई सी भी ले लो, हाँ ये ले लो, ये कोई सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो चेक करना है, बस रजिस्टर करो। अच्छा जो लगा रखा है ईमेल, चलो अब कोई कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब को सबमिट करो। अब जाके चेक करो वीएस कोड में, देखो सब लोग इमेज आ गई, सब देख पा रहे हैं, इमेज उठ के आ रही है, नेम पूरा नाम आ गया उठ के, है ना। अब इतना आप लोग चेक करो पहले, इतना